गाइस यार आपके सामने प्रस्तुत है फेवा लेक और ये खूबसूरत सा फेवा लेक आप देख पाएंगे एंड बादल बहुत तेज लगी हुई है, बहुत जोर से, मतलब बारिश होने वाली है ऐसा फील होता है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू बीइंग नोमैडिक। और अभी मैं हूँ उसी हॉस्टल में और जो हॉस्टल का नाम था वो ऐसा था कि माई ब्यूटीफुल कॉटेज हाउस, यस माई ब्यूटीफुल कॉटेज हाउस करके इस हॉस्टल का नाम है और ये आपको booking.com पे मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ से नहीं बल्कि कहीं से भी आ रहे हैं या फिर आप यहाँ से भी आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ से booking.com पे आप इसे फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि ये हॉस्टल वर्ल्ड पे नहीं मिला मुझे। और कुछ इस तरह का हॉस्टल है ये कॉटेज होम एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा है और यहाँ का जो बाहर का जो सीनरी है ना वो काफ़ी अमेजिंग है। मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा, ये देखिए गाइस, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप ये मिस नहीं करेंगे। एंड यहाँ से जब बाहर जाऊँगा मैं अभी तो दिखाऊँगा आपको कि इसके जस्ट बगल में ही लेक पड़ता है, जो फेवा लेक है वो जस्ट बगल में ही पड़ता है। हालांकि जो मेन टूरिस्टिक फेवा लेक का जो किनारा है वो दूसरे साइड पड़ता है जो कि बहुत दूर पड़ता है, बट फेवा लेक यहाँ से आप डेफिनेटली देख सकते हैं। जैसे आप रोड पर निकलेंगे बाहर आपको फेवा लेक दिख जाएगा, सामने ही वो सामने ही है, रोड के बगल में ही फेवा लेक है और फेवा लेक के बगल में ही रोड है। तो ये मैं निकल रहा हूँ अभी दिन के बजे करीब 12 बजे के आसपास, या नहीं नहीं 12 नहीं एक्चुअली, हाँ 12 बजे, 12:15 के आसपास, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी पोखरा को एक्सप्लोर करने के लिए। जो भी चीज़ें रास्ते में आती है, ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया अभी, लेकिन जो भी चीज़ें रास्ते में जैसे जैसे आती जाती है उस तरह से कुछ आइडेंटिफाई करके मैं घूमने की कोशिश करता हूँ और निकलता हूँ गाइस यहाँ से और मिलते हैं आपसे किसी एक डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद। सो हॉस्टल से निकल के अभी मैं आ गया था इधर ताल बराही करके एक जगह है, वो लेक साइड पड़ता है और वहाँ पे मंदिर भी है, काफ़ी अच्छा सा ब्यूटीफुल सा जगह है। और यहाँ से फिर मैं और भी आगे जाऊँगा अभी देवीज फॉल करके है तो देवीज फॉल के पास जाऊँगा। वो एक्चुअली वाटरफॉल या पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, या मंदिर होगा कोई, वो भी नहीं पता मुझे, नो आइडिया। फिलहाल अभी चलते हैं अपन ताल बराही और देखते हैं ताल बराही को। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा अच्छा सा व्यू आएगा, थोड़ा सा जगह होगा, शायद यहीं से राइट है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और जगह जो है ना वो काफ़ी बढ़िया है, सबसे अच्छी मुझे इस बात में लगी, इस मामले में लगी जगह अच्छा कि यहाँ पे ना जैसे वहाँ पे क्या होता था काठमांडू वगैरह में कि आपको कहीं पे भी जाने के लिए, मतलब उस साइड में काठमांडू और धरान रीजन में कि आपको कहीं पे भी जाने के लिए ना, मतलब वो क्या कहते हैं, चढ़ना पड़ता था, तो यहाँ पे वैसा नहीं है, थोड़ा सा समतल है तो ये एक अच्छी बात है। बाकी सामने मुझे दिख रहा है शायद वही है ताल बराही, सामने मुझे दिख रहा है एक मंदिर, शायद वही है। और ये अच्छी बात लगी यार कि ज़्यादा चढ़ना नहीं पड़ता यहाँ पे, सब कुछ सॉर्टेड है, मतलब ठीक है आप चल के जा सकते हैं वहाँ पे। और बाकी ये तो खैर पहला डेस्टिनेशन है तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद, हो सकता है कि बाद में मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़े, ये भी हो सकता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई तो मंदिर है ये, बाकी देखते हैं कौन सा मंदिर है। और सामने जो है वो लेक व्यू है काफ़ी बढ़िया सा, तो आपको लेक व्यू दिखाते हैं, फेवा लेक भी दिखाते हैं गाइस। ये तो है श्री हरिद्वार महादेव गणेश शिव मंदिर, यार ये कहाँ आ गया ना, एक मिनट रुकिए यार। सो हे गाइस, अभी मैं आ गया हूँ लेक साइड बाढ़ी घाट में, आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ से। और एक्चुअली ये है श्री नर्मदेश्वर महादेव मणि शिव मंदिर, लेक साइड बैदाम बाढ़ी घाट पोखरा, तो ये रहा वो मंदिर गाइस, हम देख पाएंगे। और ये नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर है और यहाँ से चलते हैं अपन लेक साइड, यहाँ से लेक साइड का व्यू शायद थोड़ा अच्छा आने वाला है। और फेवा लेक वो देखिए, यात्री महानुभाव हरुमा हार्दिक स्वागताना हार्दिक स्वागत करते छो, मतलब वह यात्री और जो भी महानुभाव हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, इस तरह से कुछ लिखा हुआ। और सामने आप देख पाएंगे यार वो वेलकम बोर्ड, तो चलते हैं यहाँ से, लेते हैं पोखरा का जो फेवा लेक है, फेवा लेक का व्यू एंड दिखाते हैं आप लोगों को भी गाइस। गाइस ये रहा आपके सामने प्रस्तुत है फेवा लेक और ये खूबसूरत सा फेवा लेक आप देख पाएंगे एंड बादल बहुत तेज लगी हुई है, बहुत ज़ोर से, मतलब बारिश होने वाली है ऐसा फील होता है। सामने देखिए आप, काफ़ी अमेजिंग सा है, लिटरली काफ़ी अमेजिंग सा है पूरा पहाड़। एंड जो इसका जो पुराना नाम है गाइस इस फेवा लेक का, पहले इसको बादाम ताल के नाम से जाना था, बादाम ताल या बादाम ताल के नाम से, एंड अभी इसका हाल ही में नाम, मतलब फेवा लेक जो रिसेंट इसका नेम है वो फेवा लेक इसको बोला जाता है अभी।
तो ये था गाइस फेवा लेक। चलते हैं थोड़ा फेवा लेक के अराउंड, थोड़ा सा वॉक करते हैं एंड आपको दिखाते हैं ये पूरा फेवा लेक। पूरा तो ऑब्वियसली नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि पूरा जो ये शहर है पोखरा वो फेवा लेक के आसपास बसा हुआ है, तो पूरा तो आपको हम ऑब्वियसली नहीं दिखा पाएंगे जहाँ तक मैं वॉक कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से फिर निकलना भी है। जहाँ तक अपन वॉक करते हैं वहाँ तक आपको दिखाता हूँ मैं ये फेवा लेक गाइस। जब से मैं काठमांडू से निकल के पोखरा में आया हूँ ना, मतलब मुझे अच्छी वाली वाइब आ रही है, सच में कह रहा हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि और पीछे जो आप देख रहे हैं बहुत सारे बोट्स वहाँ पे हैं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे लेकिन बहुत सारे बोट हैं, तो बोटिंग के लिए सबके सब रेडी हैं। लेकिन मैं अभी जाऊँगा नहीं क्योंकि बारिश होने वाली है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बारिश में भीगूँ किसी भी कारण से, क्योंकि मेरा जो रेन कवर था बैग का वो मैंने वहाँ पर छोड़ दिया जहाँ पर मैं मरकू में जो रुका हुआ था, मरकू में, तो मरकू में मैंने अपना जो पीछे वाला बैग है मेरा बैग पैक उसका मैंने जो रेन कवर था वो मैंने वहीं पर छोड़ दिया, मतलब छूट गया गलती से मुझसे। तो अभी अपन सोचेंगे भी नहीं जाने का क्योंकि इसमें मेरा वैल्यूएबल थिंग्स है जो कि भीग सकता है एंड जो ख़राब हो सकता है, सो ये बात है। एंड यार सामने देखेंगे आप पोखरा लेक पूरा, अच्छी वाली भाई बारी है इस लेक को देख के ही, पता नहीं क्यों। वाओ तो गाइस ये था आपके लिए पोखरा लेक, और चलते हैं थोड़ा सा और टहलते हैं। इफ यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ यू नो अ गुड फीलिंग गुड वाइब्स विदाउट एनी कॉस्ट विदाउट पेइंग एनीथिंग जस्ट इन्वेस्टिंग योर टाइम कपल ऑफ, तो कोई बुराई नहीं है इसमें, अपन में कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा, अपन में पूरा टाइम देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और पोखरा लेक मतलब ये जो फेवा लेक है, एक्चुअली मैं फेवा लेक को बार बार पोखरा लेक कह देता हूँ जबकि मैं बादम ताल कह सकता हूँ, और इसका जो पुराना नाम था वो मैंने बताया आपको कि ये बादम ताल है, और ये पूरा के पोखरा सिटी है वो इसी बादम ताल या फेवा लेक के आसपास मतलब सिचुएटेड है, फेवा ताल या फेवा लेक के आसपास सिचुएटेड है। अमेजिंग यार, बहुत बड़ा सा लेक है, बहुत बड़ा सा लिटरली। सो अपन चलते हैं यहाँ से कहीं बाहर निकलने का, इधर से रास्ता ढूंढते हैं और फिर किसी और डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा पोखरा जो लेक है वो किसी और व्यू पॉइंट से, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में, क्योंकि आज बहुत कम चांस है कि शायद मैं कहीं जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा इशू है यहाँ पे कि जो बादल है वो बहुत ज़्यादा रखा है एंड बारिश कभी भी हो सकती है। आपको मैं दिखाता हूँ एक और यहाँ से इस फेवा लेक को गाइस। तो दोबारा से प्रस्तुत है आपके सामने ये फेवा लेक गाइस। और गाइस वो सामने जो आप देख रहे हो ना ऊपर, वो रहा सामने, वो ऊपर एक मंदिर है एक्चुअली। मैंने उनसे कहा कि वो मंदिर पे जाने का रास्ता कौन सा है, तो उन भाइयों ने बताया कि सामने जब आप यहाँ पे जाएंगे उस तरफ बोट लेके, तो उस तरफ से आपको वहाँ से मिलेगी, वहाँ से ही रास्ता हो पाता है, अदरवाइज उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और एक और वहाँ पर मॉनेस्ट्री भी आप देख पाएंगे ऊपर में, अगर आप देख पा रहे हो तो एक वहाँ पर मॉनेस्ट्री भी है। तो मैंने सोचा था कि अपन जाएंगे वहाँ पे, लेकिन दिक्कत यह है कि बारिश क्योंकि होने वाली है और मेरे पास रेन कवर है नहीं बैग का, तो मेरे लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। और मैं नहीं चाहूँगा कि वहाँ पे जाने के चक्कर में मेरा सारा सामान जो मेरा जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वही ख़राब हो जाए, मेरा माइक ख़राब हो जाए, तो ये थोड़ा सा इशू है क्योंकि मैं जो मतलब मेरा रेन कवर था वो मैं भूल चुका हूँ और मैं खो चुका हूँ एक्चुअली, तो शायद जस्टिफाइड नहीं रहेगा। बाकी आप थोड़ा सा और व्यू इन्जॉय कर लीजिए, देखिए सामने बादल पूरी लगी पड़ी है वरना थोड़ा सा और क्लियर दिखता। एंड सनराइज़ का व्यू तो मैं आपको कल दिखाऊंगा, सनराइज़ मैं आपको कल दिखाने वाला हूँ बहुत अच्छे से, कल नहीं तो फिर परसों सुबह जब मैं छोड़ूंगा पोखरा, परसों या फिर परसों के अगले दिन मैं पोखरा छोड़ने वाला हूँ, तो 3 दिन का यहाँ पे या 2 दिन का मेरा स्टे होने वाला है। बाकी आप देखेंगे पोखरा लेक काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी बड़ा सा। तो गाइस बस इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही,
आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और विदा लेता हूँ आपसे इस वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि अगले एक वीडियो में, अगले एक सुबह, अगले एक यू नो व्लॉग में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।